भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। इस बार 19 वर्ष के बाद में श्रावण मास अधिक मास में प्राप्त हुआ है, जो कि बड़ा ही पुण्यदायी महीना है। वैसे तो प्रत्येक 3 वर्ष में कोई न कोई महीना अधिक मास आता है और अधिक मास को भगवान नारायण ने स्वयं अपना नाम पुरुषोत्तम माह दिया है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अंदर वो सारी शक्तियां समाहित है जो प्रभु के अंदर रहती है, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो स्वयं भगवान का स्वरूप ही पुरुषोत्तम मास है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का, दान करने का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है और प्रतिदिन कथा श्रवण करना चाहिए, शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन करना है और यदि संभव हो तो आप व्रत भी कर सकते हैं। एक समय भोजन करके इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का पूर्णतः त्याग आपको करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन अधिक से अधिक करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें और इसी तरह तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मणों को दान पुण्य करें, तो निश्चित तौर से आपको सामान्य महीनों की अपेक्षा पुरुषोत्तम मास में करोड़ों अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। अब हम आपको अधिक मास की 5वें अध्याय की 5वां अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं। फुल्लेन्दी वरकांतिमिंदु वदनं वरहवतं सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुं गो गोप संघावृतं गोविंदं कलवेणु वादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेतु कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माति मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम,
इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत शाम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में जो पांचवें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है, वहां पर भगवान नर नारायण तथा नारद जी का संवाद चल रहा है। इधर सूत जी महाराज शोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करवा रहे हैं और नारद जी भगवान नर नारायण के श्री मुखारविंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं। जैसा आपने चतुर्थ अध्याय की कथा का श्रवण किया था, उसकी आगे की क्रम में पंचम अध्याय की कथा में श्री नारद जी बोले कि हे महाभाग तपोनिधे, हे प्रभु, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुन करके श्री हरि ने चरणों को आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा, वो भी कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले कि हे पाप रहित, हे देवर्षि नारद, जो श्री हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप बड़े ही परोपकारकारी एवं कल्याणकारी प्रश्न हमसे कर रहे हैं, आप बड़े ही धन्याति धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगा। हवा लगने पर अधिमास उठ करके फिर बोला कि हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला कि हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे श्री हरि विष्णु, हे जगतपते, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे दीनानाथ, मुझ शरण आए कि आज आप कैसे उपेक्षा कर रहे हैं, मेरी आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार कह करके कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश अब कहने लगे। श्री हरि विष्णु बोले कि उठो उठो, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता मत करो, विषाद मत करो, दुख मत मनाओ। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कह करके प्रभु मन में विचार करके क्षण भर में उपाय निश्चय करके अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री हरि विष्णु बोले कि हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक धाम है, वहां मेरे साथ तुम चलो, वहां भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम ईश्वर निवास करते हैं और गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित राधा रानी के साथ में दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले लाल कमल के समान नेत्रों वाले शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मधुर मनोहर लीला के धाम पीताम्बरधारी पीताम्बर वस्त्र को पहने हुए माला पहने हुए वन माला से सुशोभित उत्तम
रत्न आभूषण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और कैशर से युक्त, वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो है वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वे सर्व तंत्र ब्रह्मांड के बीज है, स्वतंत्र है, सबके आधार है, परे से भी परे है, निष्प्रह है, निर्विकार है, परिपूर्णतम प्रभु है जो कि माया से परे है। सर्वशक्ति संपन्न गुण रहित नित्य शरीरी ऐसी प्रभु जिस गोलोक धाम में निवास करते हैं, वहां तुमको मैं लिए चलता हूं, वहां हम दोनों अब चलेंगे। वहां प्रभु श्री कृष्ण चंद्र परब्रह्म पुरुषोत्तम तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र दुखों से निकालने वाले परब्रह्म प्रभु है। श्री नारायण बोले कि ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़ करके श्री हरि उनको गोलोक धाम में ले गए। हे मोहमुने, जहां पहले से प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली, नित्य असंख्य और विश्वप के कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभूति की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित है। हे महामुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक धाम विराजित है, 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों के लिए गम्य है, यानी वहां पर केवल श्री हरि के परम भक्त ही पहुंच पाते हैं, उनको ही उस गोलोक धाम का दर्शन हो पाता है। ईश्वर ने अपनी योग के द्वारा जिसे धारण करके रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष के ऊपर स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित है, असंख्य भवनों से सुशोभित है। उस गोलोक धाम के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ है और वह सुशोभित है। वहां सुंदर पीतांबरधारी केवल और केवल वैष्णव जन निवास करते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए माता महालक्ष्मी के सहित चतुर्भुज वहां पर निवास करते हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण किए हुए हैं, सब लक्ष्मी के समान सुंदर और रूपवती है। गोलोक धाम के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन का विस्तार है और वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान भगवान श्री हरि महादेव शंकर जी के गण जहां पर निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए हुए हैं, नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं, अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर सुशोभित रहता है, त्रिशूल और पट्टिशधारी सब गंगा जी को धारण किए हुए वीर है और सब शंकर के समान जयशाली है। गोलोक धाम के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है, वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी परे उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान
सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए हुए, मंदहास युक्त पीतांबर धारण किए हुए, श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट कुंडलों को धारण किए हुए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान है वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले सबके मूल कारण है, सबके आधार है, परे से भी परे छोटी अवस्था वाले निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभाओं से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले निष्प्रह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के नीचे बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल परमानंद के राजा, सत्य रूप कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, गुण रहित नित्य शरीरी आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक जिनके नाम है, जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांति और शांति परायण जो विष्णु भक्त है वे ही ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण बोले कि ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप श्री विष्णु अधिमास को साथ में लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक धाम में पहुंचे। सूत जी महाराज बोले कि ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद जी उत्कंठा पूर्वक बोले। और इस प्रकार यहां पर इस अध्याय का यानी पंचम अध्याय का समापन होता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचमो अध्याय श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति 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 दायकम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम मास के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं
या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम मास का महान पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।